मेरे से कुछ लोग बोल रहे थे कि आनंद सर से जरूर पूछना कि वो हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई भी सवाल होता है उसको फिजिकल सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम्स को जो है बिना पेन उठाए बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं कि सर ये वाला जो प्रॉब्लम होगा इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने कहा 100% तो ये नहीं, कुछ में तो थोड़ा पेन उठाना पड़ता ही है। तो बोले सर आप आनंद सर से अगर जैसे आपकी बात होती है तो एक बार जरूर पूछ रहा हूँ उस चीज़ को। बोला फिजिक्स में भी क्या सारे प्रॉब्लम मैथ्स के भी और जो प्रॉब्लम्स हैं क्या मतलब पूरा एनालाइज करके सॉल्व किया जा सकते हैं? मैंने कहा मैं तो तुम्हें बताता हूँ, आनंद सर से मैं जरूर पूछूंगा। अरे अमन जी आप भी बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको भी जानकारी होगी, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं इसलिए ना क्योंकि बहुत सारा आप कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं, प्रॉब्लम देखते ही सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है तो कुछ, लेकिन कुछ सवाल लंबे सवाल होते हैं, एडवांस जैसे बड़े बड़े सवाल होते तो उसको तो आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मत कलम उठाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, मन में ही सवाल बनाओ, ये मेरा स्लोगन है। तो ये इस पर अभी आने वाले टाइम में कुछ दो चार वीडियो आप बोल रहे हैं तो हम दो चार वीडियो बना के डालेंगे ताकि आपके कहने पर ताकि बच्चे देखें और उसको इंजॉय कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलम ही नहीं उठाइए। मैथमेटिक्स है कलम उठा के पढ़ने के लिए, लेकिन कलम उठाते उठाते प्रैक्टिस करते करते चीज़ें मन में बनने लगेगी। कहने का मेरा मकसद ये है।